दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और तो और मैंने जो आपने कल का वीडियो आपने देख ही लिया हुआ है ना, तो ये इस वाले बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही दे दी। और किसी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया था कि ये जो है पेश होगा, यानी मतलब कि 28 तारीख मतलब आज के दिन जो है कैबिनेट की बैठक है ये। और कैबिनेट की बैठक में जो आपका जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये इस पर लगेगी मोहर है ना अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर जो है ये मेरे वीडियो में आप देख लीजिए, कल का वीडियो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था शिक्षा सेवा चयन आयोग को गिरा है ना। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसमें जो कल लग सकती है मोहर, ठीक है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, ठीक है। और तो और इसमें यहाँ 1000 व्यूज़ आए इस पर जो है ना, आप सभी का सहयोग है ना। और साथ में इस पर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो है मोहर लगेगी, ठीक है, नई अपडेट। तो क्या मतलब कि कल मैंने 3 वीडियो अपलोड करा और तीनों वीडियो में जो आपको शिक्षा आपको सेवा चयन बोर्ड बोर्ड के है ना, तो और आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो संबंधित इन्फॉर्मेशन दी थी। और आज का अखबार में आ चुकी है। तो जब किसी बाप यूट्यूबर ने ये बताया था कि कल इसको पेश किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप है ना तो देख सकते हैं कि मेरा अधिकारी से सीधे संपर्क रहता है कि मैं अधिकारी का बीच में रहता हूँ है ना, और मीटिंग होती रहती है हमारी जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है कि मंगलवार को इसमें जो होने जा रही है बैठक में आपको सेवा चयन आयोग को जो मंजूरी की मांग को लेकर जो है लड़के हंगामा कर रहे थे, ठीक है, तो उनको अब हंगामा करने की जरूरत नहीं है, अब जो है पेश होगा ये। और यहाँ पर जो इसमें जो है बताया गया कि मंगलवार को जो है इसको जो पेश किया जाएगा, यहाँ अप्रूवल कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में इसको जो है वो रखा जाएगा। साथ में एक खबर और है यहीं से जो है, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया कि समूह गै की जो भर्तियाँ होंगी वो सरकारी वाली इसी आयोग से इसमें होंगी। कहना मतलब क्या, इसमें यहाँ पर लिखा गया कि इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एडेड कॉलेज के कर्मचारियों पर जो है ये वाली पर मोहर लगेगी, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है समूह गै के पदों पर जो भर्तियाँ होंगी अब सरकारी होंगी इसके द्वारा, ठीक है, क्योंकि जब चयन बोर्ड बन जाएगा तो आपको राजकीय इंटर कॉलेज 2600 पदों पर जो जीआईसी में जो है भर्ती आनी थी, चपरा से भर्ती है ना, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, ठीक है, आपने ओल्ड वीडियो देख लिया। और सभी इसमें भी बताया गया समूह गै के जो भर्तियां बहुत जल्द इसमें जो है सरकारी कराई जाएंगी। तो आपको यानी मतलब क्या, उच्च से लेकर बेसिक तक अनुदेशक और इंटर कॉलेज सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, माइनॉरिटी स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया इसमें जो है आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन को मंजूरी मिल चुकी है। तो कहना मतलब क्या, उसको कैबिनेट को पेश करके मोहर लग जाएगी और टेंशन फ्री, फिर आपको भर्तियां पर एकदम से रफ्तार पकड़ेंगे। और तो लड़के लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर जो आज होगी कैबिनेट की बैठक और कितना समय लगेगा टीजीडी पीजीडी। भाई जैसे आपका आयोग बन जाएगा ना, वैसे आप समझ लीजिए 2 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी। तो आप जो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बस चैनल आप सब्सक्राइब रखिएगा। बस बताया गया है इसमें जो है कि अब जो आपकी जो नेक्स्ट अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 अभ्यर्थियों को इसमें जो है इसमें नियुक्ति पत्र का मैटर है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थियों ने जो है इसमें ओम प्रकाश राजभर का घेरा घर, उन्होंने कहा कि जो आप मतलब कुछ कीजिए हमारे लिए। तो ये मंत्री जी के घर पर इन्होंने जो धरना दिया था, उन्होंने कहा कि जो है इन्होंने जो सुभाष अध्यक्ष हैं तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सोमवार को आवास पहुंचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो उन्होंने कहा कि राजभर बोले हम मंत्री नहीं हैं, हम एनडीए में हैं तो बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात है, उनका मंत्री जी नहीं, मंत्री जी को देखना चाहिए ये सब जो है। और यहाँ पर जो है बताया कि इसमें चंद्रशेखर ने कहा है कि जो है कि 29 को घेराव करेंगे हम जो है, ठीक, 29 को विधान भवन का घेराव करेंगे, जो लड़के जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माध्यमिक विद्यालयों में जो है इसमें 1688 जो प्रधानाचार्य के पद हैं वो खाली इसमें बताए जा रहे हैं, इसमें सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं। तो अब क्या इसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया, इसमें एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1688 पदों पर भर्ती होगी। और प्रदेश में जो है 4512 जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जो होते हैं उसमें जो है अभी स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है, केवल कार्यभाग जो है प्रधानाचार्य है, वो तो खैर निर्वृत्त हो गए है ना। और यहाँ पर इस तरीके से क्या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब जो नई भर्ती होगी तो उसमें जो प्रधानाचार्य रखे जाएंगे 1688 पदों पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और आज का अखबार में दिया हुआ कि आज जो है कि योगी कैबिनेट की बैठक आज, ठीक है, तो माननीय तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें गणित विषय वाले भी जो है बन सकेंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट और कैबिनेट में लग सकती है मोहर। तो आज कैबिनेट बैठक है ये आज, तो जैसे ही है जैसे इस पर मोहर लग जाएगी वैसे ही आपकी जो क्लर्क भर्ती जो है वो परमानेंट वाली उस पर भी जो है फैसला हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो आपका आयोग नहीं बनना है तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए कहने मतलब क्या है, आज जो कैबिनेट की बैठक होगी इस पर मोहर लगेगी तो आपको जो क्लर्क भर्ती का रास्ता साफ इसमें हो जाएगा।
बीएड और जो है बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए आपकी खुशखबरी यह है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या डीएलएड में प्रत्येक छात्र से 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस ली गई है। मतलब 5,000 बहुत होते हैं, तो 1.34 करोड़ जो फीस जो है इसमें जो है दीप पर नहीं लिया दाखिला, कहने मतलब क्या 5,000 रुपये उन्होंने दाखिला नहीं लिया पर फीस दे दी। इसमें फ़ायदा हो गया नहीं हो गया, दाखिला मतलब क्या एडमिशन लिया नहीं है और 5,000 रुपये प्रत्येक फीस इन्होंने ले ली है, तो कम से कम 1,34,00,000 का फ़ायदा सरकार को इसमें हो गया। प्रवेश नहीं लेने के कारण जो है जब्त हो गए आपके जो 5,000 रुपये, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके 5,000 रुपये चले गए। तो इसमें क्या 2,684 इसमें जो अलॉटमेंट किए गए थे पर इन्होंने फीस नहीं ली है, तो 70,000 सीटें ऐसी थी, मतलब क्या फ़ायदा ही फ़ायदा सरकार को। और आज का अखबार में इसमें ये दिया हुआ आईडीबीआई बैंक में जो 2100 जो है आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, और ये वाली बात कल के अखबार में है ना किसी दूसरे अखबार में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट आपने कर रखा और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं। बात करें कॉन्स्टेबल जीडी के, तो कॉन्स्टेबल जीडी के जो 26,146 पदों पर आवेदन और स्टेनोग्राफर एग्जाम में 21,895 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। बताया गया इसमें जो बिहार में जो है 65% आरक्षण में इसको जो हाई कोर्ट में चुनौती करें, मतलब कि बिहार में 65% आरक्षण को जो हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और यह आज का सूचीबद्ध तरीके से इसमें जो कर देगा 65% आरक्षण के लिए यहाँ पे जो है बोला गया है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रों पर जो होगी, कहना मतलब क्या इसमें जो है 8 केंद्रों पर होगी 4.78 लाख जो सेमेस्टर की परीक्षा और कंट्रोल रूम से होगी इसकी निगरानी। बात करेंगे इसमें पटना की शिक्षक भर्ती की, यहाँ पे जो दूसरे चरण में जो 1 लाख कम इसमें आवेदन आए हैं, 7,32,000 आवेदन इसमें आ चुके, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। बात करेंगे इसमें यूजीसी नेट की एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं सिटी केबल और सिटी सेंटर यहाँ पे आ चुके हैं ये। और इस वाली भर्ती में मैंने आपको जो है आपने देखा ये वाला वीडियो देख लीजिए है ना, और ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने आपको जो है लिस्ट दिखाई थी कौन भर्ती की, और लड़के कमेंट भी कर रहे हैं सर हमारा नाम ये है, तो आप लिस्ट में देख लीजिए आपका नाम इसमें लिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लिस्ट में ध्यान से जो है, और ये सही बात है सर है ना, तो सही बात है आपने जो मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। और अवनीश कुमार देवाले कह रहे हैं झांसी को बताइए सर, झांसी में भी आ चुकी भर्ती भाई, आपने मेरा ओल्ड वीडियो नहीं देखा देख लीजिए। और एडिट कॉलेज में जो है लखीमपुर खीरी में कब आएगी भर्ती भाई, लखीमपुर खीरी में पहले निकल चुकी है, आप नए सब्सक्राइबर हो गए मेरे है ना। और श्याम कृष्ण त्रिपाठी जी कह रहे हैं 40,000 सफाई कर्मचारी भर्ती कब आएगी, इलेक्शन से पहले आ जाएगी और UP SSC के द्वारा भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। हमेशा रोजगार वाले जो इसमें फॉर्म अप्लाई करता हूँ लेकिन बुलावा नहीं आता भाई, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता होगा क्योंकि इसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है इसलिए, ठीक है। इसके बाद कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ सर, इसमें जो है ये बताया गया सर, ये बताइए कि गोंडा जिले का जो एडिट इंटर कॉलेज में भर्ती कब तक आई, चपरासी माली चौकीदार की। भाई देखो गोंडा से एक बार भर्ती आ चुकी है, अब दोबारा भर्ती निकलने वाली क्योंकि उसमें जो है फार्म कम गए हैं। मेरे अभी अलीगढ़ से हाथरस आपने देखा 3 बार भर्ती आ चुकी है, 3 बार तीसरी बार भर्ती निकाली गई और अब भी सीटें खाली रह गई हैं, अभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास, एक बार और विज्ञापन निकाला जाएगा, ठीक है। जब तक सीटें पूरी नहीं होंगी और तब तक वैकेंसी आती रहेगी। सर जूनियर एडिट क्लर्क में जो है मैं वैकेंसी कब आएगी कोई अपडेट बताइए, तो यहाँ पर भी जो है ये आ जाएगी, ठीक है। अभी जो आपने देखा तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करी प्लस, थैंक यू वेरी मच।